कहानी की शुरुआत में हम लेकवडम नाम की एक झील को देखते हैं, जिसमें दो लड़कियां नहा रही थी और काफी मस्ती कर रही थी। झील किनारे ही हम एक अनजान लड़के को देखते हैं, जो अपनी चाकू की धार को तेज कर रहा था। वो दोनों लड़कियों को बड़ी बेरहमी से ही मार देता है। इसके बाद कहानी कुछ सालों आगे जाती है। हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम इलियास था। इलियास का दोस्त बताता है कि मुझे क्राइम सीन यानी जहाँ पर हादसे वगैरह हुए होते हैं, ऐसी जगहों पर जाने का बहुत शौक है। साथ ही मुझे ड्राउनी और इस तरह की चीजों के बारे में जानने का भी बहुत शौक है। शुरुआत वाली लड़कियों की तस्वीर दिखाते हुए बताता है कि कुछ सालों पहले लेकवडम नामी झील के पास इन दोनों लड़कियों का कत्ल हुआ है। तो चलो हम वहाँ चलते हैं इस बारे में तहकीक करने के लिए, छानबीन करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि वो कातिल अभी भी वही झील के पास ही रहता होगा और हम पता लगवाएंगे कि उसने लड़कियों को क्यों मारा। अब क्योंकि ये उसके दोस्त है और उसकी बात का इनकार नहीं कर सकता था, तो चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कुछ वक्त पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ आयडा नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। सारे ही लोग दुखी नजर आ रही थी। फिर तभी अचानक आयडा के डैड उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले किसी ने आयडा की बेहोशी वाली तस्वीरें इंटरनेट पर डालकर वायरल कर दी थी, जिस वजह से उसके डैड परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उनकी फैमिली की काफी बदनामी हो रही थी। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ आयडा से मिलने उसकी दोस्त आती है और उसे समझाती है कि तुम पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारो, नई शुरुआत करो। फिर मैं भी उन दोनों के साथ लेक पोर्टम पर जा रही हूँ, तो चलो तुम भी हमारे साथ, बहुत मजा आएगा और तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो इस पर आयडा मान भी जाती है। आयडा के घर के बाहर इलियास और उसके दोस्त को गाड़ी में देखते हैं, जो उन दोनों को लेने आई थी और इंतजार कर रही थी, और ये चारों लेक पोर्टम की भी निकल जाते हैं। जहाँ ये पहुँच तो जाते हैं, पर वहाँ से आगे जाने का रास्ता एक जंजीर से बंद किया हुआ था। दरअसल उन लड़कियों के कत्ल की बात से ही पुलिस ने इस झील पर लोगों का आना बंद कर दिया था, पर इलियास जंजीर तोड़ने का कहता है, जिसे तोड़कर ही आगे निकल आते हैं। झील के पास पहुंची गई थी और वहां टेंट लगाने लगते हैं। फिर रात को आयडा और इलियास के दोस्त आग के पास बैठ कर बातें कर रहे थे, जहाँ वो आयडा को यहाँ हुए दोनों लड़कियों के खून के बारे में बता रहा होता है, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैंने भी सुना था इस केस के बारे में। तभी उनके दोनों दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ इलियास का दोस्त उन सबको बताता है कि मैंने उस खूनी उस कातिल के बारे में थोड़ी रिसर्च छानबीन की है, जिससे मेरा मानना है कि वो खूनी सुबह कोई अपना घर समझकर यहाँ से बहुत प्यार करता है। जैसे हम लोगों को अपने घरों में कोई अनजान शख्स अच्छा नहीं लगता, वैसे उस खूनी को भी यहाँ आने वाले लोग पसंद नहीं है, बुरे लगते हैं, इसीलिए यहाँ आने वाले लोगों पर पहले वो नजर रखता है, फिर मौका देखते ही उन्हें मार देता है, वो भी काफी बेरहमी से, ताकि कोई दोबारा यहाँ आने की गलती ना करे। और अगर वो यहाँ रहता हुआ तो जरूर छुप कर वो हम पर भी नजर रख रहा होगा। टेंट में सोने के लिए जाने लगती है, और तभी आयडा की नजर झील की दूसरी तरफ जाती है, जहाँ टॉर्च लाइट जल रही थी और उसका रुख इनकी तरफ ही था। उसे शक होने लगता है, तो इस बारे में खोज से बताती है, पर इलियास का दोस्त कहता है कि घबराओ नहीं, वहाँ कोई नहीं है, और वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हमारे दावा यहाँ कोई और आया भी होगा, तो परेशान ना हो, चलो सोने चलते। और वो तो सोने के लिए चला जाता है, पर आयडा नहीं जाती, बल्कि वो तो नहाने के लिए झील में चली जाती है। उसे तभी भी महसूस होता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है, तो वहाँ इलियास था, जो उसे नहाते हुए देख रहा था। उसकी हरकत आयडा को पसंद नहीं आती, तो वो उसे बुरा भला कहकर टेंट में आ जाती है। फिर आधी रात को जब ये चारों सो रही थी, तो आयडा को दोबारा से किसी के होने का एहसास होता है, तो इस बारे में वो अपने दोस्त और इलियास को बताती है। तब इलियास चेक करने बाहर जाता है, पर काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आता, तो इन तीनों को परेशानी होने लगती है। वो उसे आवाज भी लगाते हैं, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। काफी ज्यादा वक्त गुजर गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया, पर तभी अचानक एकदम से इलियास आकर इन्हें डरा देता है। फिर वॉशरूम के लिए आयडा की दोस्त को जाना था, तो वो अकेली ही वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे इलियास भी चला जाता है, ताकि उसकी हिफाजत कर सके। उनके जाने के बाद जब आयडा और इलियास के दोस्त बातें कर रही थी, तो तभी अचानक एक बड़ी सी लकड़ी उनके टेंट पर आकर गिरती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। तो आयडा को समझाता है कि घबराओ नहीं, ये जरूर इलियास की शरारत है, वो लकड़ी गिरा कर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर वो बाहर चेक करने भी जाता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता, इसलिए वो दोबारा टेंट के अंदर आकर आयडा को कहता है कि पक्का ये हरकत इलियास ने की है, और जब वो वापस टेंट में आएगा तो मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। तभी हम किसी अनजान आदमी को टेंट के बाहर देखते हैं, जो चाकू से उस पर वार करके वहाँ से भाग जाता है। आयडा जब उसके मुंह से खून निकलता हुआ देखती है, तो काफी डर जाती है, और टेंट से बाहर आकर अपने दोस्तों को आवाज लगाकर बुलाने देखती है मदद के लिए। वो दोनों जब आयडा की आवाज़ सुनती है, तो फौरन टेंट के पास आ जाते हैं। हालत देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो काफी जख्मी, खून में लथपथ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि किसने किया होगा और अब हमें क्या करना चाहिए। ये तीनों उसकी जान बचाने के लिए जिंदर से बाहर जाने लगते है, जिस दौरान आयडा की दोस्त गिर जाती है। उसका पैर काफी जख्मी हो गया था और वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए उन दोनों को ही वहाँ से आगे बढ़ने का कहती है।
वो दोनों ऐसे ही करते हैं। उसे वही छोड़कर मदद मांगने के लिए आगे बढ़ जाती है। रास्ते में एलिस उसे कहते हैं कि काफी वक्त से मैं तुमसे अकेले में बात करना चाह रहा था। जो तुम्हारी बदनामी हो रही थी वो वायरल तस्वीरों वाली, मैंने उसके बारे में छानबीन की थी, जिससे मुझे पता चला कि बेहोश होते हुए तुम्हारी तस्वीरें किसी ने बनाई ही नहीं, बस तुम्हारी बेइज्जती करने, तुम्हें बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाती। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कभी तुम्हारी वो तस्वीरें तुम तक क्यों नहीं पहुँची? और तो मेरे पास भी कभी नहीं आई जिस बारे में छानबीन कर रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि पुलिस को भी तुम्हारी इस तरह की कोई तस्वीर मिली ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीरें है ही नहीं। इसलिए सभी सारी बातें बता ही रहा था कि तभी पीछे से कोई नकाब पहना इंसान आकर चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। फिर जैसे वो इंसान नकाब हटाता है तो हम देखते हैं कि इलियस को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आयडा की दोस्त थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आयडा को लगता था कि उसकी जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो इलियस ने ही की थी, जिससे बाद में बदनामी की वजह से उसे बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। साथ ही उसके डैड ने भी अपनी जान ले ली, इसलिए आयडा ने फैसला किया कि वो अपना बदला इलियस से जरूर लेगी। इसलिए जब उसकी दोस्त ने उसे आकर बताया कि मैं और इलियस उसके दोस्त के साथ लेक मैडम जा रही है छुट्टिया मनाने, तब आयडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इलियस को मारने का प्लान बनाया, जिसका मतलब था कि वो दोनों इस मकसद के लिए ही यहाँ आई थी, ताकि इलियस से बदला लेकर उसे खत्म कर दे। पर वो इस सोच में थी कि इलियस को तो हमने मारा मगर उसके दोस्त को भी इसने मारा था। पर यहाँ आयडा की दोस्त उसे कहती है कि अब हमें इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाना होगा और सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकलकर घर पहुँचना होगा, ताकि इनकी कत्ल का इल्जाम हम दोनों पर ना आए। तो इसलिए ये अपने बैग से सूट निकाल कर पहन लेती है, ताकि जब ये लाशों को ठिकाने लगाए तो इनकी उंगलियों के निशान और की लाशों पर ना रह जाए। फिर ये दोनों लाशों को बैग में डालकर जेल में फेंक कर अपनी गाड़ी में आ जाती है। आयडा की दोस्त बताती है कि गाड़ी की चाबी तो इलियस के पास थी, जब उसकी लाश के साथ जेल में चली गई है, और अब क्योंकि यहाँ से निकलने का इनके पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो जेल में जाकर चाबी लाने का फैसला करती है। फिर आयडा की दोस्त अपना वो सूट उतार कर पानी में जाती है, आखिरकार चाबी हासिल कर ही लेती है और अब ये दोनों गाड़ी में बैठ कर यहाँ से निकल जाती है। जो रास्ते में आयडा इलियस की बताई बातों के बारे में सोचने लगती है और इस बारे में अपने दोस्त को भी बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं वो झूठ बोल रहा होगा, मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीरें। जो सुन आयडा को अभी भी शक होने लगता है तो वो कहती है कि अगर तुमने देखी थी तो मुझे इलियस और पुलिस को वो तस्वीरें क्यों नहीं मिली। अब आयडा के इस सवाल पर उसकी दोस्त आखिरकार सच बताने के लिए तैयार हो भी जाती है, कहती है कि हाँ इलियस ने तुम्हें सही बताया, किसी ने भी तुम्हारी तस्वीरें नहीं बनाई थी मगर उस बारे में अफवाह हर जगह मैंने फैलाई थी। ये सुनकर आयडा एकदम हैरान भी रह जाती है, साथ ही काफी टूट भी गई थी क्योंकि उसकी अपने दोस्त ने उसे बदनाम किया था। तो इसलिए वो उसे पूछ लेती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारी दोस्त थी। जिस पर उसकी दोस्त इसकी वजह बताती है कि स्कूल में तुम इलियस के काफी करीब होती जा रही थी, साथ ही जब भी तुम मुझसे मिला करती थी हर वक्त बस इलियस की बातें करती रहती थी, जिससे मुझे लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी दोस्ती इलियस से हो जाएगी और अगर तुम दोनों दोस्त बन गए तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तो इस वजह से तुम्हें इलियस से दूर करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। तुम जब पार्टी में आई तो मैंने तुम्हारे जूस में दवाई मिला दी, जिससे तुम बेहोश हो गई। तुम्हें कमरे में लिटाने के बाद मैंने बाहर आकर तुम्हारी वो तस्वीरों वाली अफवाह उड़ा दी। पर आयडा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ जाएंगी। सारी बात जाने के बाद आयडा रोने लगती है और अपने दोस्त को कहती है कि तुम्हारी वजह से तीन बेकसूर लोगों की जान चली गई, यस उसका दोस्त और मेरे डैड की। अब मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ, मैं घर पहुंचकर पुलिस को ये सारी बात बता दूंगी, साथ ही इन दोनों के खून के बारे में भी कुछ नहीं छुपाऊंगी, सच बता दूंगी। ये सुनकर उसकी दोस्त ऐसा करने से मना करती है, पर आयडा उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए उसकी दोस्त गुस्से में गाड़ी में रखा हुआ रेंच उठाकर आयडा के मुंह पर मार देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। पर एक दिन आयडा भी उस पर वार करती है और चलती हुई गाड़ी में की हथापाई होने लगती है। इसी बीच आयडा की दो सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी को खड़ा हुआ देखती है। अब एक्सीडेंट ना हो इसलिए वो गाड़ी साइड में रोक लेती है, पर गाड़ी इतनी जोर से आगे रुकती है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो ही जाता है, जिससे आयडा भी होश हो गई थी। गाड़ी के साथ साथ सड़क पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है, जो अब धीरे धीरे इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने इलियस के दोस्त को मारा था, और अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसकी दोस्त काफी घबरा जाती है और आयडा को होश मिलाने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो खूनी गाड़ी के पास आ ही गया था। टॉर्च मारकर जब वो गाड़ी के अंदर उन दोनों को देखता है तो एक जंजीर से उनकी गाड़ी अपनी गाड़ी के साथ बांध लेता है, उसे टो करने के लिए खींच कर अपने साथ ले जाने के लिए। अपनी गाड़ी में बैठकर काफी तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर उनकी गाड़ी को भी वहाँ से ले जाने लगता है। अब तक आयडा को भी होश आ गई थी, दोनों काफी डर जाती है और इस मुसीबत से कैसे निकलना है इस बारे में सोचने लगती है। जब उसकी दोस्त कहती है कि तुम गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे से कूद जाओ, बाद में मैं अभी ऐसे ही करूंगी। और अब जैसे आयडा पीछे आकर कूदने ही वाली थी कि तभी एकदम से उनकी गाड़ी उछल कर पलट जाती है। अब उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से दोनों की लड़कियां काफी जख्मी हो जाती है। उस कातिल की गाड़ी भी रुक गई थी, इसलिए वो दोबारा से उनकी तरफ आने लगता है। अब तक आयडा को भी होश आ गई थी, वो अपने दोस्त को भी होश में लाकर खुद से
रागनी का कहती है, पर उसकी दोस्त आयडा को अकेले यहाँ छोड़कर जाने से मना करती है, जिस पर आयडा उसे समझाती है कि मैं बहुत जख्मी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, प्लीज जाओ यहाँ से भाग जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर आखिरकार वो मान ही जाती है। चिपल की तरफ ताकती लिखती है, उसे खूनी ने भी देख लिया था तो वो अपने डॉग को उसके पीछे लगा देता है। यह हमें इस खूनी का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने अपनी शुरुआत में भी देखा था, जिसने उन दोनों लड़कियों का भी खून किया था। असल में इलियस के दोस्त ने जो अफवाहें इस जंगल और इस खूनी के बारे में सुनी थी वो सब सच थी। ये कातिल कब से चारों पर नजर रख रहा था इन्हें भी अपना शिकार बनाने के लिए। अगले सीन में हम कातिल को देखते हैं जो झील किनारे बैठा हुआ था। उसने अपने पास में आयडा और उसकी दोस्त को भी पकड़ के बांधा हुआ था। उसने इनकी गाड़ी को झील पे फेंक कर इन्हें यहाँ बंदी बना के रखा हुआ था। इनके हाथ पांव बांध कर चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था और वो अपने चाकू की दाल को तेज कर रहा था। वो फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सबसे पहले वो आयडा को पकड़ कर उसे अंडरग्राउंड जगह में फेंक देता है जहाँ बहुत सारी नाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद वो उसकी दोस्त को पूरी तरह तड़ पा कर मार डालता है और आयडा के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ भी नहीं दिखता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि खुनी ने आयडा को नहीं मारा था बल्कि उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। असल में कातिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि सारे कत्लों का इल्जाम आयडा के ऊपर आ जाए, क्योंकि उसकी तस्वीरों वाली बात को लेकर उसके पास वजह बन गई थी अपने दोस्तों को मारने की। उसके तीनों दोस्तों की लाशों को बरामद कर लिया जाता है और उनके कत्ल के इल्जाम में आयडा को गिरफ्तार। हालांकि वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ये सब नहीं किया बल्कि लेक बुडप के कातिल ने किया है, पर कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उस बेकसूर को ही दोषी ठहराया जाता है जबकि असली कातिल इस तरह से बच गया था और अभी आजाद घूम रहा था। खैर इसके बाद हम कुछ दोस्तों को उसी चीज के पास देखते हैं जो पार्टी के लिए आई थी, जो हर बार की तरह खूनी एक पर भी चुप के नजर रख रहा था। अभी एक रूपी उस कातिल का अगला टांगी दे और इससे भी हैरत वाली बात थी, ये एक सच्ची कहानी थी और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।